अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कुरान की सैर डे 3 में मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। होपफुली जो अब तक हम दो जुज में पढ़ चुके हैं, आप उसके ऊपर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए हम आज अपने थर्ड जुज की तरफ बढ़ते हैं, पर उससे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाह रही हूँ, एक बहुत ही प्यारी अच्छी बात बताना चाह रही हूँ, और वो ये है कि मेरे बच्चों, आप लोग अल्लाह ताला के बहुत फेवरेट बंदे हैं। वो कैसे फेवरेट बंदे कैसे बने, अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करता कैसे मालूम होना? देखिए, हम अगर किसी से बात करते हैं, हम अगर अपनी सीक्रेट्स, अपनी प्यारी प्यारी बातें अगर किसी से शेयर करते हैं, तो वो किससे करते हैं? अपने बेस्ट फ्रेंड से, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, राइट? तो अल्लाह ताला की जो कुरान है, वो अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह की बातें हैं, अल्लाह ताला के सीक्रेट्स हैं, और वो अल्लाह ताला अपने फेवरेट बंदों से ही शेयर करते हैं। तो आप यहाँ पर बैठ कर सुन रहे हैं, और आप ये जो प्रेजेंस है वो इंडिकेट करिए कि आप अल्लाह ताला के फेवरेट बंदे और अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करता है। वाओ, तो चलिए इससे खुश हो जाइए, और इसी खुशी के साथ और बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ हम अपने जुस्त्री की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जुस्तू हमने कहाँ पर एंड किया था, याद है आपको? स्टोरी ऑफ तालूत और जालूत पर हमने एंड किया था, आयत 252 ऑफ सूरह बकरा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जुज नंबर 3। ये जुज बहुत ही प्यारी, मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लवली आयत ऑफ कुरान से स्टार्ट होता है। कैन यू गेस वो कौन सी है? यस, आयतुल कुर्सी, आयत नंबर 255, जिसके अंदर अल्लाह ताला का बहुत ही ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदो, क्या आप मेरे बारे में जानना चाहते हो? तो लो, आयतुल कुर्सी पढ़ो। इसके अंदर क्या है? अल्लाह ताला अल हय अल क्यूम है, हमेशा जिंदा और हमेशा जिंदा रहने वाले है और कायम है। अल्लाह ताला को नींद तो छोड़ो, ऊंग तक नहीं आती। यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, अल्लाह ताला सब कुछ जानते हैं, जो कुछ आगे पीछे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में है। और अल्लाह ताला की कुर्सी का जिक्र है, और अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करते, बिल्कुल नहीं थकते, इसीलिए हम इसको हिफाजत की दुआओं में पढ़ते हैं। इसकी फजीलत जो भी आपको याद है वो लिखकर सबमिट करिए। फिर हम बढ़ते हैं हमारी आयत नंबर 258 से 260 तक। इसके अंदर अल्लाह ताला की जो आयतुल कुर्सी में कुदरत बताई गई है, उसी से रिलेटेड 3 स्टोरीज है, जिसके अंदर अल्लाह ताला फर्स्ट स्टोरी जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत, किंग नमरूद जो काफिर था, आप अल्लाह ताला का इनकार करने वाला था, उनको बहुत ही प्यार से अल्लाह ताला का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और अल्लाह की तौहीद बता रहे हैं। फिर सेकेंड जो स्टोरी है वो बस्ती जो बर्बाद हो गई, तो उसको किस तरीके से अल्लाह ताला फिर से बराबर करेगा, सही करेगा, उसका जिक्र है। फिर थर्ड स्टोरी में इब्राहिम अलैहिस्सलाम और बर्ड्स का जिक्र है। अब ये स्टोरीज की डिटेल तो हम नहीं देख सकते, इंशाल्लाह अलग से स्टोरीज ऑफ कुरान में हम इसको डील करेंगे। फिर आगे अल्लाह ताला आयत नंबर 261 में सदक़े की फजीलत बताता है। सदक़ा क्या है? चैरिटी को कहते हैं, राइट? अपना माल अल्लाह ताला की राह में जो जरूरतमंद है उनको देना। एक्चुअली हम क्या समझते हैं कि जो भी माल अल्लाह ताला ने हमको दिया है, घर है, पैसा है, गाड़ी है, खाना पीना जो भी है, हम समझते हैं कि वो हमारा है, जबकि हम गलत है। अल्लाह ताला हमारे माल में हमेशा जरूरतमंद का हिस्सा रखता है, उसके अंदर हम हमेशा दूसरों का ख्याल करना है, पेरेंट्स, रिश्तेदार, गरीब, यतीम, जरूरतमंद, उनको देने का है। और कैसा माल देंगे? बेस्ट माल देंगे, सबसे प्यारा, सबसे अच्छा माल हम देना है, अपना पसंदीदा, ना कि गला सड़ा फटा पुराना। अगर हम बेस्ट माल अल्लाह की राह में देंगे तो अल्लाह ताला हमसे बहुत खुश होगा और हमको 700 टाइम्स अल्लाह ताला ज्यादा अजर देगा। बट वेट, यहाँ पर हमको अल्लाह ताला एटिकेट्स भी बता रहे सदका करने के, कि वो सदका मन अजा और रिया से खाली हो। यानी कि मन का मतलब क्या है? एहसान जताना, एहसास दिलाना कि हमने आपके ऊपर फेवर किया है, या फिर तकलीफ देना, हर्टफुल बातें उनको कहना या उनसे बहुत ज्यादा काम लेना। और रिया मतलब शो ऑफ करना, लोगों को बताना, सोशल मीडिया पर अपलोड करना, ये सब अल्लाह ताला को नहीं पसंद है। पर और बच्चों देखिए कि शैतान जो है ना, हमको क्या एहसास दिलाता कि अगर तुम सदका करोगे तो तुम गरीब हो जाओगे, हमको गरीबी का डर दिलाता है। पर याद रखिए, अल्लाह ताला आयत नंबर 276 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सदका से माल बढ़ता है, कम नहीं होता। और उसके बाद अल्लाह ताला आयत नंबर 275 में अल्लाह ताला बता रहे कि रिबा हराम है, सूद, इंटरेस्ट लेना हराम है, और अल्लाह ताला को बहुत नापसंदीदा अमल है। और जो रिबा लेता है उसके माल में से बरकत खत्म हो जाती है, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों से हरगिज मोहब्बत नहीं करता। फिर आयत नंबर 282 आयत दैन है, सबसे लॉन्गेस्ट आयत ऑफ कुरान है, जिसके अंदर अल्लाह ताला कर्ज के लेन देन की बात कर रहे हैं। फिर सूरह बकरा के एंड में लास्ट 2 आयतें हैं, जिसकी फजीलत हम जानते हैं कि सोने से पहले अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए अल्लाह ताला एक एंजल अपॉइंट करेगा जो सारी रात हमारी हिफाजत करेगा, और उसमें बहुत प्यारी रब्बना की दुआएं भी है। इससे हमारा सूरह बकरा एंड होता है, और हम बढ़ते हैं सूरह आल इमरान की तरफ। आल इमरान का क्या मतलब है? फैमिली ऑफ इमरान, यानी कि ये मरियम अलैहिस्सलाम के पेरेंट्स की बात हो रही है। और सूरह आल इमरान 3rd सूरह है, जिसमें 200 आयतें हैं, और जुज 3 में 91 आयतें ही कवर होंगी। अब यहाँ पर
सूरह आल इमरान शुरू हो रही है कुरान के जिक्र के साथ। अल्लाह ताला बता रहे कि जो मोमिन होते हैं वो कुरान की जो बातें हैं उसको दिल से मानते हैं और उसके ऊपर अमल करते हैं और उसके अंदर कोई टेढ़ नहीं निकालते, और जो काफिर हैं क्योंकि उनके दिलों में खराबी होती है, टेढ़ होता है, तो वो आयतों के अंदर भी खराबी निकालने की कोशिश करते हैं। यानी कि अल्लाह के कलाम के अंदर नुक्स निकालना, अल्लाह के कलाम के अंदर फॉल्ट निकालना, तो ये सिर्फ कौन कर सकता है? जो काफिर है। दो किस्म की आयतें हैं, एक है मुहकमात क्लियर आयतें और एक है मुतशाबिहात जिसके बारे में अल्लाह ताला ने क्लियरली नहीं बताया है और उसके ऊपर हम ईमान लाना हमारा काम है। और उसके बाद अल्लाह ताला बताते हैं आयत नंबर 31 में जो बहुत ही प्यारी आयत है कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करे तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको ये करना पड़ेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी पड़ेगी और उनको उनकी इत्तेबा करनी पड़ेगी, उनको फॉलो करना पड़ेगा। जो फॉलो करेगा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेगा, उनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करेंगे और गुनाह भी माफ कर देंगे, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करेगा, इत्तेबा नहीं करेगा, तो वो काफिर हैं। और ऐसे काफिरों से अल्लाह ताला बता रहे कि ऐसे काफिरों से अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं करते। फिर आयत नंबर 33 से 91 तक 3 स्टोरीज बताए गए हैं। जो फर्स्ट स्टोरी है मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में, सेकेंड स्टोरी है ज़करिया अलैहिस्सलाम जो बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए थे और उन्होंने दुआ की अल्लाह ताला से कि औलाद अता करे, तो अल्लाह ताला ने उनको याहिया अलैहिस्सलाम अता किया। और थर्ड स्टोरी है मरियम अलैहिस्सलाम को ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं, और ये एक मिराकुलस बर्थ थी क्योंकि मरियम अलैहिस्सलाम को बगैर शादी के ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं जो नबी बनाकर भेजे गए थे बनी इसराइल की तरफ, पर उन्होंने उनका इनकार किया, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार किया और उनको सताने लगे, तो अल्लाह ताला उनको आसमानों पर उठा लिए। तो यहाँ पर हमारा थर्ड जूस मुकम्मल होता है। तो इसका टेक अवे क्या है बच्चों? आज हमने क्या सीखा? अल्लाह ताला की खूबसूरत क्वालिटीज और पावर के बारे में देखा, सदका जब हम करेंगे तो बेस्ट माल देंगे, मन और अजा और रिया से हम बचेंगे, रिबा से तो बहुत दूर रहेंगे, और कुरान की आयतें जैसी है उसके ऊपर अमल करेंगे और उसमें टेढ़ नहीं निकालेंगे। एट ए ग्लांस देखना है तो टोटल हमको 9 पॉइंट्स याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट आयतल कुर्सी, सेकेंड 3 स्टोरीज ऑफ अल्लाह पावर, थर्ड सदका, फोर्थ रिबा, फिफ्थ आयत देन, सिक्स लास्ट 2 आयत ऑफ बकरा, सेवन मरियम अलैहिस्सलाम की बर्थ, 8 ज़करिया अलैहिस्सलाम को याहिया अलैहिस्सलाम की पैदाइश, और 9 ईसा अलैहिस्सलाम की मिराकुलस बर्थ। और फिर जो दुआ आज आपको याद करने की है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, ये वाली दुआ याद करेंगे। और अगर आप रब्बना की सूरह बकरा की लास्ट आयतें भी याद करेंगे तो ये तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए बच्चों, आज के जुज़ यहाँ पर एंड होता है, कल हम मिलेंगे 4 जुज़ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।